इधर ग्वालियर के डबरा में जहां जनकगंज थाना के एक युवक को तीन महिलाओं समेत छह लोगों ने अपहरण कर लाठी सरयू से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और शव को डबरा के पास ही सिंधा नदी में फेंक दिया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वही जानकारी के मुताबिक जनकगंज थाना क्षेत्र के माधव नगर में रहने वाले राजू राठौर का जीतू पंडित ने अपनी पत्नी बहन और तीन अन्य साथियों के साथ पहले तो अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर शव को सिंधा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने युवक के शव को नदी से बरामद कर लिया है। वही मामले में तीन महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने खून से सने ऑटो को भी जब्त कर लिया है। जनकगंज थाने में कल रात को एक झगड़ा हुआ था जिसमें कि राजू राठौर और जीतू पंडित है, इनके बीच में ये झगड़ा चालू हुआ। राजू राठौर जो है ये नशा भी किया करता था और जब ये झगड़ा बढ़ा तो फोन करके जीतू ने अपने घर के लोगों को और इसके साथ मारपीट करके करण जाटव जो ऑटो चलाता है उसके ऑटो में डाल के इसको ये लोग डबरा ले गए और सिंधु नदी के नए पुल से नदी में फेंक दिया। करण जाटव को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने दोपहर में ले जाके वह स्थान बताया जहां से बॉडी फेंकी गई थी। होमगार्ड्स के गोताखोर और डबरा पुलिस के सहयोग से मृतक जो है उसकी बॉडी नदी से बरामद हो गई है।